मेरा यूट्यूब चैनल तापाचे गाय। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में आपका। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं इस बाइक का जो एक मेन जो फीचर है, एकदम मेजर फीचर जो कि काफ़ी यूज़फुल है अगर आप सिटी में राइड करते हैं और ट्रैफिक जाम में रहते हैं, या फिर मतलब आप अगर कुछ कर भी रहे हैं बाइक पर, जैसे हल्की हल्की राइडिंग कर रहे हैं, एक हाथ से अगर आप मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, वैसे तो ड्राइविंग करते टाइम कॉल पे बात करना नहीं चाहिए, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो आप गाड़ी रोक के बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे ही कंडीशन आती है कि आपको एक हाथ छोड़ना पड़ता है, तो उस टाइम पे ये जो फीचर है वो काफ़ी यूज़फुल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ GTT टेक्नोलॉजी की, जो इस बाइक में दिया गया है। GTT मतलब इसका जो फुल नेम है उसको हम कह सकते हैं ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें इस जो फीचर में है उसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, बस आपको जो है आपको जो बाइक का एक्सेलरेटर है उसको आपको टच ही नहीं करना, आप बस क्लच से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो क्लच है आप उसको प्रेस या रिलीज करके आप इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जैसे आपकी बाइक चल रही है और आपने क्लच प्रेस किया, फिर आपने क्लच रिलीज़ किया हल्के हल्के से और जो बाइक है वो अपने आप चलने लगेगी। तो इसका जो है फीचर जो है ये काफ़ी यूज़फुल है इन द सिटी, जैसे आप अगर जाम वगैरह में फंसे हैं तो जो आपका हाथ है वो एक्सेलरेट करते करते पेन होने लगता है, और फिर तो ट्रैफिक में जो है आपका वो जो एक्सेलरेटर है वैसे बाइक को बार बार RPM हाई होती रहती है, तो उससे इंजन को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है दोस्तों। तो उसके लिए जो ये फीचर है ये काफ़ी यूज़फुल है, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँगा कि इस फीचर को यूज़ कैसे करते हैं, और इस फीचर का मतलब आपको आप इस फीचर को किस गियर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैं आपको पूरा बताऊंगा डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि इसको आखिर यूज़ कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है जिससे कि आपको ये यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और बाइक को भी आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसके लिए जो है आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको अभी तुरंत डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दूंगा कि इसमें कैसे करते हैं। और ये जो फीचर है GTT का, ये मेरे ख्याल से सिर्फ अपाचे अभी प्रोवाइड कर रहा है, और किसी मतलब इस सेगमेंट की और इस प्राइस रेंज में इस सेगमेंट की किसी बाइक में नहीं, ना आपको डेक में मिलेगा, ना आपको RC में मिलेगा, ना आपको MT15 किसी में भी आपको नहीं मिलेगा। ये जो फीचर है ये सिर्फ हाई एंड बाइक्स में ही आता है, जो आपने BMW की बाइक्स ले लो या फिर और जो ट्रेंड वगैरह है वो सब बाइक्स ले लो, उसमें ये फीचर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मतलब जो ये अपाचे है ये डेफिनेटली काम कर रहा है अपने उसमें फीचर्स में, इसी वजह से मैंने अपाचे को कंसीडर किया था उस टाइम कई बाइकों में से, क्योंकि जो मुझे खरीदनी थी तो उसी फीचर्स को देख देख के मैंने फिर कंसीडर किया कि मैं अपाचे ले लेता हूँ। तो दोस्तों और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा मतलब यहाँ पे अच्छी रोड है, थोड़ी सी ब्रिज का जो एरिया है और थोड़ी सी रोड यहाँ पे ब्रॉड भी है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे ये यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ गए हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो हमें सबसे पहले ऑब्वियसली बाइक स्टार्ट करनी है और हमें फर्स्ट नंबर गियर पर रखना है। मैं यहाँ पे अर्बन मोड में कर रहा हूँ, आप अगर स्पोर्ट मोड पे करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस और अच्छा मिलेगा आपको। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक्सेलरेटर से हाथ हटा दी, अब आपको क्या करना है कि जो आपको क्लच दिख रहा है इसको आपको हल्के से ऐसे ऐसे हल्के हल्के से हल्के हाथों से रिलीज़ करना है। तो जब आप हल्के हाथ से रिलीज़ करेंगे देख रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी जो है बाइक जो है आगे बढ़ रही है, आपको क्या करना है बस हल्के हाथों से क्लच छोड़ना है ऐसे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये फर्स्ट नंबर गियर पर और मैंने क्लच पूरा छोड़ रखा है। अब आप देखिए दोस्तों बाइक जो है चल रही है, मैंने बिल्कुल भी एक्सेलरेटर नहीं दिया है इसमें, आप देख सकते हैं दोस्तों क्लच भी दिख रहा होगा आपको, मैंने पूरा क्लच छोड़ रखा है, एक्सेलरेटर पे हैंडल पे हाथ नहीं है मेरा। आप देख सकते हैं दोस्तों बाइक चल रही है अप्रॉक्स 8 की स्पीड पर चल रही है, 8 km/h जो कि इसका जो फर्स्ट गियर का फिक्स स्पीड है। अब दोस्तों मैं इसमें सेकेंड गियर लगाता हूँ, दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसमें सेकेंड गियर लग चुका है, मैंने अभी भी स्टिल मैंने एक्सेलरेटर पे हाथ नहीं रखा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये अभी 12 की स्पीड पे चल रही है दोस्तों बाइक, मतलब फर्स्ट गियर पे 8 की स्पीड पे, सेकेंड पे 12 की स्पीड पे। अब दोस्तों बारी है इस पर थर्ड नंबर गियर लगाते हैं हम, दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो है थर्ड नंबर गियर मैंने लगा दिया है। जब आप
सेकेंड से थर्ड पे स्विच करते हो दोस्तों ना, तो आपको थोड़ा सा जर्क फील होगा। और जो बाइक है वो तो स्मूथ चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको दिख रहा होगा 17 की स्पीड इसने मेंटेन करके रखी है। इसी स्पीड पर वैसे चलती रहेगी जब तक मैं एक्सेलरेटर नहीं दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, इसी स्पीड पर मेंटेन रहेगी। अब दोस्तों बारी है, मैं इसमें फोर्थ नंबर गियर को एक बार लगा के चेक करता हूँ, देखता हूँ कि फोर्थ नंबर गियर लगाने पर क्या इसमें इफेक्ट आता है। तो ये दोस्तों मैंने फोर्थ नंबर गियर लगा लिया। दोस्तों फोर्थ नंबर गियर लगाने पे आपको जो है चेन नॉइज सुनाई देगा और बाइक जो है थोड़े थोड़े झटके झटके खाएगी, आपको फील होगा ऐसा कि बाइक जो है झटके खा रही है। तो दोस्तों जो है आप इसको फोर्थ नंबर गियर तक बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी 22 की स्पीड पर चल रही है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अब मैंने स्टिल एक्सेलरेटर बार पे हाथ नहीं रखा है, सिर्फ मैं क्लच से ही बाइक चला रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ये 22 की स्पीड अभी मेंटेन करके रखी है इसने, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अब जो है 5 नंबर गियर लगाते हैं, वैसे मेरे ख्याल से 5 नंबर गियर लगाने पे बाइक बंद हो जाएगी, मेरे जो अनुमान है वैसा लगता है, तो देखते लगा के क्या होता है 5 नंबर गियर। तो दोस्तों ये मैंने 5 नंबर गियर लगा दिया और जो है बाइक बहुत 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 झटके खा रही है दोस्तों, तो मैं बाइक को 4 नंबर गियर पे करता हूँ वापस। दोस्तों 5 नंबर गियर पे जो है बाइक बहुत ज़्यादा झटके खा रही थी और चेन नॉइज भी बहुत आ रहा था, तो मतलब आप इसको जो है 3rd नंबर तक ही चलाओ तो मैं प्रेफर करूँगा, इससे ऊपर आप मत ही करो, तो वैसे भी आप ट्रैफिक में 1st-2nd नंबर पे ही चलेंगे। और अगर आपको ऐसे कुछ करना है जैसे कि थोड़ा स्टाइल वगैरह मारना है एक हाथ छोड़ के, तो फीचर दिखाना है लोगों की देखो ये फीचर है, तो आप कर सकते हो। वैसे काफ़ी हेल्पफुल फीचर लगा दोस्तों मुझे ये, अभी भी देख रहे हैं आप ये 4th नंबर गियर पे चल रही है, मैं स्टिल एक्सेलेटर बार पे मेरा हाथ नहीं है आप देख सकते हैं, और 22 की स्पीड इसने मेंटेन कर रखी है 4th नंबर गियर पे। और मैं कितनी दूर से सिर्फ एक हाथ पे बाइक चला के आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा GTT फीचर जो कि काफ़ी यूज़फुल है। दोस्तों मैं कह रहा था कि ये जो फीचर है आपका GTT ये बहुत यूज़फुल है आपकी बाइक में, मतलब जैसे अगर आप जाम वगैरह में फंसे हैं या फिर ट्रैफिक में, या फिर अगर आपको ऐसे ही मतलब चिल राइड करनी है कि एक हाथ छोड़ के आप बस राइड कर रहे हैं ऐसे हल्की हल्की स्पीड पर, तब के लिए ये जो है बहुत बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। अब जो है मैं काफ़ी देर आ गया हूँ आपको ये दिखाने के लिए दोस्तों, यहाँ से अब रिटर्न करते हैं वापस की तरफ और फिर घर की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, और मेरे वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ क्वेरी है कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे रखा है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे वहाँ पर फॉलो करके आप DM कर सकते हैं, मैं अच्छे से रिप्लाई कर दूँगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बात करना इतना मतलब वो नहीं हो पाता ना, एक कमेंट करता है कोई तो उसको कितने रिप्लाई करने पड़ते हैं, तो आप DM कर सकते हो, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।